नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल थर्मल इंजीनियर में। तो हम आज दोस्तों बात करते हैं प्राचीन भारत की, और प्राचीन भारत में मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। मौर्य वंश की स्थापना कैसे हुई, मौर्य वंश के कौन कौन से शासक आए, तो हम देखते हैं कि मौर्य वंश का जो काल है वो 322 से लेकर के 184 BC तक रहा। एक मुद्रा राक्षस नाम की एक जो रचना है जो विशाख दत्त ने लिखी है, उसमें अशोक के भी कुछ शिलालेखों के बारे में जानकारी मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मतलब दरबार में एक चाणक्य नाम के व्यक्ति आए। चाणक्य का तो नाम काफ़ी सुना होगा, जिनके कई नाम भी है, चाणक्य है, कौटिल्य है, और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है चाणक्य को, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है। तो चाणक्य नंद वंश के शासक घनानंद के दरबार में रहती थी। तो घनानंद ने उनका अपमान किया और अपने दरबार से बाहर निकाल दिया। तो घनानंद से बदला लेने के लिए चाणक्य ने मौर्य वंश वो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता ली और घनानंद से युद्ध किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर दिया। यहीं से मौर्य वंश की स्थापना प्रचलन हुआ था। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे उनका क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य जो 25 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे, और ये 322 से लेकर के 298 BC तक इन्होंने शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की बारे में यूनानी साहित्य में इनको सेंट्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी खोज सर विलियम ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय सेलुकस ने मैगनेस्टनीज को भेजा था अपना राजदूत बना करके। जो सेलुकस का जो राजदूत बन के आया था वो मैगनेस्टनीज आया। मैगनेस्टनीज ने जिस वो एंटिका की रचना की है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को भी हराया था। किसको हराया, सेलुकस निकेटर को भी हराया था। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया, और जैन धर्म को अपनाने के बाद जैन धर्म के एक संत भद्रबाहु थे, उनके साथ श्रवण बेलगोला चले जाते हैं, और श्रवण बेलगोला में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु जो है ना वो श्रवण बेलगोला में होती है। श्रवण बेलगोला में 298 BC में मृत्यु होती है। जब 298 BC में मृत्यु हो जाती है तो इनका जो पुत्र था वो बिंदुसार था। बिंदुसार गद्दी पर बैठता है, और ये इसका काल है 298 BC से लेकर के 269 BC तक। ये 269 BC तक शासन पर रहा था। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह चल रहा था। तो बिंदुसार के दो पुत्र थे, बड़ा जो पुत्र था उसका नाम था सुसीम, और जो दूसरा पुत्र था उसका नाम था अशोक। और अशोक के बारे में तो काफी सुना होगा। तो इसने पहले अपने फर्स्ट पुत्र को भेजा था सुसीम को तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए। जब सुसीम तक्षशिला में जाता है विद्रोह को दबाने के लिए, तो इस पर विद्रोह नहीं दबता है, और ये इस मामले में असफल हो जाता है। जब असफल हो जाता है तो उसके बाद में अशोक को भेजता है उस मैटर को दबाने के लिए।
अशोक उस विद्रोह को दबाने में सफल हो जाता है और बाद में अशोक ही शासक बनता है। जब इसको शासक बना देते हैं और कुछ फैक्ट के बारे में देखते हैं कि बिंदुसार के समय में जो सीरिया का एंटियोकोटस था उसने डायमेकस को, जो सीरिया का जो शासक था एंटियोकस, इसका नाम याद रखना एंटियोकस। ये कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है कि सेलूक बिंदुसार के दरबार में कौन कौन दो आए थे, मतलब दो विदेशी आए थे, तो एंटियोकोटस थे। एंटियोकस के, एंटियोकस ने किसको भेजा था? डायमेकस को। जो डायमेकस था वो हमारा सीरिया से आया था और मिस्र से, मिस्र का जो टॉलमी था, मिस्र का शासक कौन था? टॉलमी। मिस्र का शासक टॉलमी, टॉलमी ने डायनेसिस को भेजा था, डायनेसिस को भेजा था। तो ये दो लोग बिंदुसार के दरबार में आए थे। आगे हम, आगे की जो हम प्रोसेस है वो हम अशोक के बारे में बताएंगे और अशोक के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अशोक के शिलालेखों के बारे में, अशोक के स्तंभों के बारे में और अशोक ने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन सा धर्म अपनाया। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।